फ्रांसी श्रीवास्तव और हम आज जा रहे हैं करजत। फाइनली कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं। है मम्मी, फाइनली कहीं जा रहे हैं हम? यस, वी आर एक्साइटेड। और मम्मी भी बड़े दलेर बन के 3 घंटे ट्रैवल करेंगी। रास्ते में रुकेंगे मम्मी कॉफ़ी के लिए, ठीक है? पसीना पसीना। हाय, गुड मॉर्निंग। बिस्किट निकाल रही हूँ बस मैं। बिस्किट? ओके, बिस्किट। ओके, बस। गुड मॉर्निंग। रेडी टू गो? रख लिया सब सामान, दवाइयाँ रख ली आपने? सब कुछ। यस, गुड, लेट्स गो। आज बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, पूरा ब्लू है रास्ता। रास्ते में स्टारबक्स पे रुके हैं कॉफी के लिए। आप कभी बनाओगे कविता तो बनेगी ना। घंटा लग जाता है, जोड़ी नहीं पाता मैं। छोटी मोटी तो जुड़ जाती है पापा, बच्चों वाली तो। जैसे हम जा रहे हैं करजत, वहाँ हमें मिलेगा बरगद। बरगद, बरगद, बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पिएंगे हम शरबत। पिएंगे हम शरबत। देखो ऐसे ही बन जाते हैं रैप बैठे बैठे। ऐसे मम्मी बना सकती है। अच्छा, हाँ मम्मी कोई कविता सुना, कुछ बनाओ ऐसे कुछ। हाँ ऐसे बनाओ। मम्मी की सेहत में बहुत अच्छी तरह सुधार आ रहा है, जैसे जैसे करजत का वो रेस्टोरेंट पास आ रहा है। चाय दिख रही है गर्मा गर्म, चाय भी दिखने वाली है, दिख रही है ऑलरेडी उनकी आंखों के सामने। ऐसे कप उड़ रहे हैं हवा में, गरम गरम ऐसे चाय डल रही है छलनी से है मम्मी। और बिस्किट के साथ, बिस्किट तो हम लेकर आए हैं, है ना मम्मी? तो वी आर हियर एंड पापा ने एक बहुत ही अच्छा अंग्रेजी के 3 शब्द बोले हैं। क्या बोले पापा आपने? साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ, वाओ। मॉम डैड को अभी मैं लंच के लिए लेके जा रही हूँ क्योंकि रूम अभी रेडी नहीं है। जब रूम क्या? डेजा रूम, डेजा रूम, डेजा रूम। इधर पापा गलत जा रहे हो, इधर आना बाहर। मैं भी नहीं जा रहा। ओह यस, आप लोग ने ली सौंफ? मम्मी ने ली थोड़ी दो। ओ पापा, ऐसे पूरा पूरा क्या है? बच गए पापा यार, बाल बाल। यस, बच गया ना। एक कैसे टेढ़े हुए थे दिखाना एक बार। अरे बच गया क्योंकि मुझे नहीं करना था सारे के लिए। कैसे हुए थे टेढ़े एकदम? हां बड़ा होके दिखाऊं। चाय की स्टेप पापा ने मिस कर दिया था। और थोड़े दिन पहले ही मम्मी ऐसे ही गिरी है बहुत जोर से, एक स्टेप मिस कर दिया, सीधे चल रही हूँ, नीचे देखा ही नहीं कि एक सीढ़ी और गिर पड़ी, बहुत जोर से गिरी। थैंकफुली कुछ फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं हुआ। क्या सीढ़ी चल कहाँ गिरे पहले ही पर चेक कर लूँ मैं। तो अब हमें फाइनली रूम मिल गया और हम रूम पे जा रहे हैं। ऑन द वे रास्ता है वर्ल्ड कप चल रहा है, तो दोनों मैच देख रहे हैं। मम्मा सो जाओ। क्या स्कोर हो गया? 210 के 8। ओह गॉड। मम्मी अब हम हाईटी के लिए जा रहे हैं और गाड़ी की वेट करें जो हमें वहां तक लेकर जाएगी। हम पहुंच गए हैं रिवर साइड। पापा का फोटो सेशन। मम्मी देख के चलना, सच्ची कह रही हूँ, देख के नीचे गए। सच्ची चल रही हूँ, नहीं सच्ची देख के चलो। मॉनसून में रिवर का फ्लो ज़्यादा अच्छा होता है, व्यू भी ज़्यादा अच्छा होता है। बस ये एक और फैमिली है यहाँ पर, वो मच्छी पकड़ रहे हैं। हाईटी का टाइम तो हमने थोड़े सैंडविचेस और चाय और पकौड़े खाए बैठ कर, बातें बातें की और इंजॉय किया। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। अरे आई विल ईट पाव, बट आई वांट टू ईट पाव। मम्मी ने कमर पकड़ लिया। ऐसे सब बैठ रहे हैं जैसे सब जीतने वाले हैं। आप खेल लोगे? मेरी टीम में ये दोनों एक टीम में है। ओके, और मम्मी और मैं जीतेंगे। गर्ल्स गर्ल्स, बॉयज बॉयज। कौन लोग? एक और गई। अरे यार मैं ही हार रही हूँ। ओम भीम भट स्वाहा। आ जाएगा धीरे-धीरे। पहले एक तो निकाल लो। मुझे बहुत बुरी तरह से हराया है इन सब ने। किसमें? कैरम में और किसमें? कैरम तो बहुत दिन हो गए खेले हुए। इतनी बुरी तरह से हराया है और मैं इतनी कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि मैं जीतूंगी।
सो मम्मी की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई, उन्हें एक्चुअली वर्टिगो हो रहा है जो कि मेरे बर्थडे पे भी उन्हें हुआ था और हमें लेट टाइम निकलना पड़ा दवाई लेने के लिए। तो हम लोग फटाफट नियरेस्ट मेडिकल के पास जा रहे हैं, उन्हें वर्टिगो वाले चक्कर आ रहे हैं। सो आई होप वही हों, कुछ और मेजर ना हो। सो फटाफट वो दवाई लेने जा रहे हैं, आई होप कुछ मेडिकल खुला हो। बात तो करिए फोन पे नहीं, एक बार बैक इन आर ओन रूम्स नाउ। मम्मा थोड़ा सा बेटर फील कर रही है, ज़्यादा नहीं, एंड बट वी रियली होप कि बेटर हो जाए सुबह तक। नहीं, जब कैमरा बंद हो गया था तो बोला था द टी इज डैम गुड, जैसे कैमरा ऑन हुआ द टी इज नाइस। थोड़ी सी चाय पी ली है, थोड़ी सी बची है, अब मैं मॉम डैड के रूम में जा रही हूँ। इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, सारे रूम्स हैं और धूप भी नहीं आ रही अभी तो। मॉम डैड की घंटी बजाती है, ये लोग बजा दी हमने घंटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिग बॉस चल रहा है कपिल शर्मा। अच्छा, मम्मी भी चाय पी रही है। गुड मॉर्निंग। गुड, लगे रहो। पूल में कब जाएंगे? इतना बड़ा पूल है इनका। पूल तो काफी बड़ा है, बट पता नहीं कब जाने को मिले, ऐसा खाली खाली पड़ा है। अभी हम नहीं जाएंगे, कल सुबह जाएंगे। पक्का? और क्या, मम्मी को लग रहा है कि आराम आ जाएगा। हाँ, दवाई से आ ही जाएगा। यस। हेलो। इसको अच्छे से गुड मॉर्निंग कर दी है, मुझे नहीं करी थी गुड मॉर्निंग। क्या नाश्ता करने जा रहे हो? नाश्ता करने जा रहे हैं, हम वहाँ से जाके बता देंगे। क्या अच्छा है? कैसी मिल रही है, तो तुम फिर कार मंगा देना मम्मी के लिए। ठीक है। प्लान अच्छा है, अच्छा प्लान है। मेन्यू भेजा कपिल ने हमें, वहाँ से दिखा दिया, मैंने मम्मी को दिखा दिया, मम्मी क्या कहने ली, मॉम ने हिम्मत दिखाई और हम उन्हें ऐसे हाथ पकड़ के लेकर जा रहे हैं। ये कोली ने इतनी सारी इंपोर्टेंट है, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं हम, खाली खाली अच्छा लग रहा है। वी आर हेडिंग बैक नाउ फ्रॉम द ब्रेकफास्ट, द स्टाफ वाज वेरी गुड, फूड इज वेरी गुड हियर। कल कैसे चल रहे थे आप? कल कैसे चल रहे थे? अरे यार, सो ग्रीन एवरीवेयर, बॉन्साई ट्रीज इन नाइस बॉन्साई एरिया, बॉन्साई ट्रीज। ये जो पेड़ है ना, ये वाले जो ग्रो नहीं नहीं ग्रोन अप होते हैं पूरे, लेकिन होते कद में छोटे हैं। अच्छा, डे आज हमें पता चला है कि यहाँ राइफल शूटिंग वाले आ ही नहीं रहे, वो सिर्फ वीकेंड्स पे आते हैं। बंदूकें चलाने के लिए आता ही नहीं है। नहीं है ना? हाँ, कहता सिर्फ वीकेंड को आता है। फाइनली वी आर रेडी। पता चला है कि राइफल शूटिंग है एक्चुअली, ऐसा कुछ नहीं कि वीकेंड पे है, थोड़ा और कोई रास्ता है राइफल शूटिंग का। पापा, आपको आती है क्या स्विमिंग? आती है आपको? नहीं। पापा का पूल में फर्स्ट टाइम था, मुझे भी पहली बार पता चला, उन्होंने बहुत एंजॉय किया और फिर हम लंच के लिए गए, बट मम्मा ने नहीं ज्वाइन किया। मम्मी नहीं आ रही, मम्मी ने मना कर दिया, वो सो रही है थोड़ी देर दवाई खा के। पापा बैठोगे आगे? आज हम अलाकाट कर रहे हैं। सारा हैवी खाना खाने के बाद ठीक है सर, तो छोटू छोटू नाइस फ्लावर्स ये वाला मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ। तेरे को हजार बार रोका 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 हवा, झोंका झोंका झोंका, दिल को बचाना
धोखा ना खाना, धोखा है प्यार यार प्यार है धोखा। चल रहे अब तो खुश हो जाओ। सो डिसाइड हुआ है कि आज ही निकल रहे हैं। मॉम इज ऑल्सो नॉट फीलिंग वेरी वेल सो वी हैव टू गो। वैसे कल सुबह निकलने का प्लान था बट अब आज ही निकल रहे हैं। बोरा इज नॉट फीलिंग वेल, शुड गो। एक्टिविटीज रह गई हैं, राइफल शूटिंग है, वो सब रह गया है बट स्टिल वी हैड फन। पापा का मन था और थोड़ा स्टे करने का। ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद द डिसीजन। ही इज़ वेरी हैप्पी विद द डिसीजन। नो आई एम नॉट, आई वांट टू गो। नो आई कैन स्टे, आई वांटेड टू राइफल शूटिंग। चलो फिर अभी चलो कर लेते हैं। चलो ठीक है चलें। बट फिर मम्मी को निकलना जल्दी। हाई गाइज, होप यू लाइक द व्लॉग। छोटा सा ट्रिप था हमारा करजत। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स कमिंग वेरी सून। बाय बाय।